दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चटाई करारी धूल, तो खुशी से झूम उठे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और दे डाली पाकिस्तान को खुली धमकी। साथ ही भारत की जीत पर कहीं दिल छू लेने वाली बात, तो आखिर क्यों भारत की जीत पर जश्न में डूबी ऑस्ट्रेलिया? आखिर क्यों स्मिथ वार्नर से लेकर मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल ने दे दिया पाकिस्तान को खुलेआम धमकी और चुनौती? क्या कुछ कहा इन खिलाड़ियों ने, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मैक्सवेल, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप में जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो मैच टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 192 रनों पर 42.5 ओवर में धराशायी हो गई। जवाब में उतरी भारतीय खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर भारत को जीत की दास्तान लिख दी। वहीं भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने घातक बल्लेबाजी कर और अर्धशतक ठोक दिया। वहीं इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने विश्व कप के खिताब की ओर आगे बढ़ गया। भारत के इस जीत पर पूरे क्रिकेट जगत में खुशियों का माहौल था। वहीं स्टेडियम में बैठकर दर्शक खुशी से झूम रहे थे। साथ ही साथ भारत की जीत पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी खूब जश्न मनाया और होने वाले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को खोली धमकी देकर उन्हें सदमे में डाल दिया। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला 20 अक्टूबर को एम चंद्रस्वामी स्टेडियम बैंगलोर में खेला जाना है। यह मुकाबला भी दोनों टीमों के बीच जबरदस्त कांटे का होगा। जहां पाकिस्तान को भारत के खिलाफ करारी हार मिली, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अब धमकी देकर उन्हें परेशान कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के किन किन खिलाड़ियों ने भारत की जीत पर दिल छू लेने वाली ऐसी बातें कही हैं और पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए धमकी दी। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर भारत की जीत और पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहते हैं, भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और पाकिस्तान को करारी धूल चटाई, देखकर बेहद मजा आ गया। रोहित शर्मा ने अद्भुत पारी खेली, हम लोग भी इसी तरह पाकिस्तान को अगले मुकाबले में करारी धूल चटाने वाले हैं। हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली है, पाकिस्तान बल्लेबाजों की कमर तोड़ देंगे, हमारी खतरनाक गेंदबाज, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि भारत की अद्भुत जीत देखकर मजा आ गया, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शर्मनाक हार मिली है, हम लोग भी पूरी तरह से धूल चटाने के लिए इसी तरह तैयार हैं। 20 अक्टूबर को हम लोग भी खूब जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान को हराने के बाद मैं पाकिस्तान गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। टीम के लाजवाब बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बयान देते हुए कहा कि विश्व कप में यह भारत की शानदार जीत है, उसके जिस अंदाज में पाकिस्तान को हराया ये देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है, हम लोग भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुके पाकिस्तान को इसी तरह धूल चटाने के लिए, हमारी टीम, हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज सभी तैयार हैं धज्जियां उड़ाने के लिए पाकिस्तान टीम की। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बयान देते हुए कहा है कि रोहित की शानदार बल्लेबाजी देख काफी मजा आया, उन्होंने अपनी टीम के लिए अहम पारी खेली, रोहित एक शानदार बल्लेबाज है, वो अपनी टीम को हमेशा शीर्ष पायदान पर रखना चाहते हैं, हम लोग भी पाकिस्तान के साथ मैच में बेहतरीन वापसी करना चाहेंगे, पाकिस्तान को करारी धूल चटाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, मेरे टारगेट पर बाबर और रिजवान का विकेट होने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत की जीत पर तारीफ के पुल बांध दिए, लेकिन वहीं पाकिस्तान टीम को खुली धमकी दे डाली। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।